सो हे गई वेलकम बैक टू द वीडियो जैसा कि गाइए आपने प्रिव्यू देखा तो काफ़ी ज़्यादा नया ट्रेंड है और मैं आपको बताने वाला हूँ इसे आप कैसे बना सकते हो इज़िली काफ़ी इजी तरीके से बताऊँगा तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सो बेसिकली ट्रेंड का नाम है द रीज़न आई एम नॉट फिट इन दिस जनरेशन ठीक है तो बेसिकली इसे आप टेम्पलेट की मदद से बना सकते हो बेसिकली मैंने अभी अभी क्रिएट करा है वी एन के मदद से तो अगर वो अभी मतलब अपडेट नहीं हुआ है तो जैसे ही वो अपडेट होता है मैं आपको व्हाट्सअप पर उसका क्यू कोड शेयर कर दूँगा बट तो तब तक के लिए मैं आपको एक और ईजी तरीका बता सकता हूँ जिससे आप इज़िली बना सकते हो ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हम न्यू टाइप की जो भी ट्रेंडिंग डीट्स होती हैं उसे बताते हैं कैसे आप ट्यूटोरियल बना सकते हो और ईजी तरीके से बताते हैं या फिर क्यू कोड होता है तो वो दे देते हैं पे हमारे पास होता है तो आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो अपना पेज ग्रो करना चाहते हो आपको नहीं पता कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं ये जानना चाहते हो तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपके आने वाली भी वीडियो में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी देखने को क्योंकि मेरे पास काफी सारे अकाउंट हैं जिस जिसपे काफी अच्छे व्यूज आते हैं और मुझे पता है स्ट्रटेजी क्या है फिलहाल बात करते हैं स्टैंड को आप कैसे बना सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सो इसे बेसिकली आप वी एन एप की मदद से बना सकते हो काफी ईजी तरीके से तो सबसे पहले आपको प्लस वाले ऑप्शन पे आना है सो so गाइड सबसे पहले आपको आ जाना है प्लस वाले आइकन पे उसके बाद आप न्यू प्रोजेक्ट देखोगे जहाँ से इधर आपसे आपको सबसे पहले अपनी एक फोटो ले लेनी है ठीक है आपकी हो ठीक है या फिर आप अगर एडिट ऐसे ही कर रहे हो तो वो ले सकते हो बाकी जो ये वीडियो है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो उधर से आपको डाउनलोड करके ऐड कर लेना है ठीक है फिर जैसे ही आप ऐड करते हो बहुत सिंपल सा रहता है आपको सबसे पहले नाइन बाई सिक्सटीन कर लेना है म्यूज़िक ऐड कर लेना है म्यूज़िक का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है तो ईज़िली वहाँ से आप कर सकते हो बाकी ये वाला म्यूज़िक है तो हम ऐड कर लेते हैं सो so गैस जैसे ही आप इसे ऐड कर लेते हो आपके पास ये आपकी फ़ोटो होगी ना तो ये फ़ोटो थ्री सेकंड की होगी तो गाइस मैंने इधर एक की फ्रेम लगाया है तो आपको बस फोटो अपनी इधर तक कर लेना अब ये की फ्रेम कितना सेकंड का है वो मैं आपको भी बता देता हूँ ये 5.30 सेकंड तक का आप रख सकते हो ठीक है तो ये फाइव पॉइंट सेकंड का हो रहा है बट आप फाइव पॉइंट सेकंड का रखोगे तब भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना और जैसे ही आप इधर कर लेते हो फिर आपका इधर ऐसे ये रील आ जाएगी ठीक है तो आपकी बाकी डील तो पूरी प्रोवाइडेड है आपको तो बस आपको क्या है ना शुरू में लगाना है और इस पर आपको टेक्स्ट लिखना है ठीक है वही रीज़न वाई एम नॉट फिट इन दिस जनरेशन तो आप इजीली लिख लोगे ठीक है ठीक है तो आप जैसे क्या कर सकते हो सिंपल लिख सकते हो सीधे और आप ऐसे गैप देखे नीचे भी लिख सकते हो ठीक है तो ऐसे लिखने के बाद आप अपना जहाँ मर्जी चाहे आप फोन लगा सकते हो जो चाहे और जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो ठीक है तो आप बड़ा फ़ोन चाहो तो बड़ा फ़ोन लगा सकते हो छोटा फ़ोन चाहो तो छोटा फ़ोन लगा सकते हो ठीक है अपने हिसाब से सो आप पर डिपेंड है जैसा आप लगाना चाहो और उसके बाद इसे आपको बस इस फ़ोटो तक रख देना है ठीक है उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली रील पूरा बन के तैयार हो जाएगा ठीक है बाकी अगर इसका बेसिकली मैं वो भी दे दूंगा अगर क्यू आर कोड मेरा बन के तैयार हो जाएगा तो बस उसमें आपको ये फोटो चेंज करनी पड़ेगी अपनी और बाकी सब आपको ऐसे ही मिलेगा बाकी ये भी एडिट काफ़ी सिंपल है अगर आपको पसंद नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए ट्रेंड के साथ ठीक है